हाशिमोटोज डिजीज क्या बीमारी है, किन लोगों को होती है, क्या इसके लक्षण आते हैं, इसको कैसे जानते हैं पहचानते हैं और कैसे इसका इलाज होता है, और सही वक्त पे इलाज नहीं किया गया तो ये बीमारी के क्या कॉम्प्लिकेशंस आते हैं, ये सब के बारे में आज हम डिटेल में बात करने वाले हैं। नमस्ते दर्शकों, स्वागत है आपका मेरे इस YouTube चैनल। मैं हूँ आपकी होस्ट डॉक्टर तन्वी मयूर पटेल, एंडोक्राइनोलॉजिस्ट यानी कि हार्मोन विशेषज्ञ डॉक्टर मुंबई से। इसके पहले हमारे चैनल पे अक्सर 100 से भी ज़्यादा वीडियोस आ गए हैं थायराइड के ऊपर। हर एक वीडियो के कमेंट में कहीं ना कहीं लोगों का सवाल था कि डॉक्टर, ये हाशिमोटोज डिजीज़ क्या होता है, किस टाइप की बीमारी है। तो सोचा ये टॉपिक के ऊपर थोड़ा और अवेयरनेस क्रिएट किया जाए। और वैसे आज के इस दिन, जिस दिन मैं शूट कर रही हूँ, आज का दिन है 25 मई 2023, और आज के इस दिन जो है पूरे विश्व भर में वर्ल्ड थायराइड डे के नाम से सेलिब्रेट किया जाता है। तो इस वर्ल्ड थायराइड डे के दिन आप सब की तरफ से मैं आप सबको थायराइड अच्छी सेहत हो उसकी शुभकामनाएं करती हूं, और साथ ही साथ वर्ल्ड थायराइड डे पे सबसे ज़्यादा कॉमन सी थायराइड की बीमारी है जो हाशिमोटोज डिजीज है, उसके ऊपर हम आज बात करेंगे। तो जितना ये भारी शब्द है ना, हाशिमोटोज डिजीज, उतना भारी भी बीमारी नहीं है। लेकिन ये बीमारी के साथ साथ में और जब भी प्रॉब्लम्स होते हैं तब लोगों को ये बीमारी भारी लगती है, लेकिन खुद ही अपने आप में इतने ज़्यादा प्रॉब्लम्स नहीं लेके आती। यानी जितना नाम भयानक है उतना भयानक सिचुएशन यूजुअली नहीं होती। तो सबसे पहले हम ये जानते हैं कि ये नाम पड़ा कैसे। तो ये जो हाशिमोटोज डिजीज़ जो है ना, ये 1912 में एक जापान के एक फिजिशियन डॉक्टर थे जिनका नाम था हुकारू हाशिमोटो, उनके नाम से ये बीमारी का नाम पड़ा है। इनफैक्ट हाशिमोटोज डिजीज़ के और भी बहुत सारे नाम हैं। इसको अक्सर लोग ऑटो इम्यून थायरॉयडाइटिस या तो हाशिमोटोज थायरॉयडाइटिस या तो फिर क्रॉनिक लिम्फोसाइटिक थायरॉयडाइटिस, ये दो चार ऐसे नाम हैं जिससे लोग इसको पहचानते हैं। ज़्यादा करके ये नाम जो है ये मेडिकल फील्ड में ही प्रचलित है, लेकिन अक्सर लोग इसको हाशिमोटोज के नाम से जानते हैं। ये एक प्रकार की थायरॉयड की बीमारी है, और जब किसी भी मरीज को हाशिमोटो का डिजीज़ लगता है तो उनको एक ऑटो इम्यून की सिचुएशन क्रिएट होती है, और ये ऑटो इम्यून वाली सिचुएशन क्रिएट होने की वजह से उनकी थायराइड की ग्रंथि जो है वो उसमें डैमेज आने शुरू हो जाते हैं, और डैमेज आने की वजह से अक्सर ये थायराइड की ग्रंथि जो है ज़रूरत से कम कार्य करती है, और इसीलिए ये जिस जब भी ये बीमारी लगती है तो मरीजों को अंडर एक्टिव थायराइड या तो फिर हाइपोथायरॉयडिज्म होता है। जी हाँ, अक्सर लोग जिनको हाइपोथायरॉयडिज्म की बीमारी होती है, ज़्यादा करके लोगों को हाशिमोटोज डिजीज़ ही होता है, और इसीलिए कहीं ना कहीं हाशिमोटोज डिजीज़ और अंडर एक्टिव थायरॉयड या तो हाइपोथायरॉयडिज्म इंटरचेंजेबली बहुत ही ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है। कुछ ऐसे लोग होते हैं जिनको अगर हाशिमोटोज डिजीज़ हुआ है तो उनकी थायरॉयड की ग्रंथि कम कार्य करने की जगह ज़्यादा कार्य करनी शुरू हो जाती है, जिसको हम हाइपर थायरॉयड सिचुएशन भी कहते हैं, लेकिन ये बहुत कम लोगों को होता है, अक्सर अंडर एक्टिव और हाइपोथायरॉयडिज्म ही ज़्यादा होता है। क्या ये बीमारी बहुत कॉमन है या आपको अकेले को ही ये लग गई है? जी नहीं, ये बीमारी काफ़ी कॉमन है। इनफैक्ट थायरॉयड की सबसे ज़्यादा बीमारियों में सबसे कॉमन बीमारी है वो हाइपोथायरॉयडिज्म, और वो हाइपोथायरॉयडिज्म होने की सबसे कॉमन वजह है हाशिमोटोज डिजीज़। यानी ये कोई ऐसी रेयर सी बीमारी नहीं है जो किसी को नहीं होती है और बहुत ही कम लोगों को होती है, नहीं, ये काफ़ी कॉमन सी बीमारी है। ठीक है, क्या होता है हाशिमोटोज डिजीज़ में, अब ये जानते हैं। थोड़ा ब्रीफ में मैं बताऊँगी, क्योंकि डिटेल में बताने जाऊँगी तो एक पूरा वीडियो बन जाएगा। तो हाशिमोटोज डिजीज़ जो होता है ना, तो उसमें जो हमारी ऑटो इम्यून बीमारी होती है,
तो इसमें क्या होता है, देखिए हमारे शरीर के अंदर रोग प्रतिकारक क्षमता है जिसको हम इम्यूनिटी के नाम से जानते हैं। ये इम्यूनिटी जो मेनली बनती है हमारे शरीर के फाइटर सेल्स जिसको हम WBC सेल्स, वाइट ब्लड सेल्स जिसको कहते हैं, उससे बनती है। तो अक्सर हाशिमोटोज़ डिजीज़ में ऐसा पाया गया है कि हमारी जो इम्यून सिस्टम जो होती है ये एंटीबॉडीज़ बनाती है, और ये जो एंटीबॉडीज़ जो बनी हुई है ना, ये एंटीबॉडीज़ जो थायराइड की ग्रंथि के अंदरूनी जो सेल्स जो होते हैं उसको अटैक करके उसको नुकसान पहुंचाते हैं, और उसके वजह से थायराइड की ग्रंथि सुस्त होती जाती है और अपना काम करने की क्षमता को बिगाड़ देती है, और अक्सर वो कम कार्य करती है जिसके वजह से कम मात्रा में T3 और T4 हार्मोन बनता है। यानी इन शॉर्ट हाशिमोटो की जो बीमारी है एक प्रकार की ऑटो इम्यून बीमारी है, और अक्सर ऐसे मरीजों के जब हम थायराइड की ग्रंथि की अगर थायराइड के सेल्स की जब हम बायोप्सी करते हैं या तो फिर माइक्रोस्कोप के अंदर देखते हैं तो इन थायराइड की सेल के अंदर काफ़ी ज़्यादा मात्रा में लिम्फोसाइट जो एक प्रकार के WBC सेल से वो भी पाए जाते हैं, और इसीलिए अक्सर इस बीमारी को हम क्रॉनिक लिम्फोसाइटिक थायरॉयडाइटिस के नाम से भी जानते हैं। और इनफैक्ट यही रिसर्च किया था डॉक्टर हाशिमोटो ने, जिसके वजह से ये बीमारी को उनके नाम का नाम मिला है और जिसको हम हाशिमोटोज़ डिजीज़ कहते हैं। ठीक है, अब देखते हैं कि ये बीमारी किन लोगों को लग सकती है, इनके रिस्क फैक्टर्स क्या है। देखिए वैसे तो ये बीमारी किसी को भी हो सकती है, लेकिन कुछ ऐसे रिस्क फैक्टर्स हैं जो जिसके वजह से आपको ये बीमारी होने के रिस्क बढ़ जाते हैं। सबसे पहली है आपका जेंडर, यानी आप महिला है या पुरुष है। अक्सर महिलाओं में हाशिमोटोज़ की बीमारी ज़्यादा पाई गई, 4 से 10% ज़्यादा महिलाओं को ये बीमारी होती है, लेकिन उसका ये भी मतलब नहीं है कि पुरुषों में ये बीमारी नहीं होती। हमारे पास बहुत सारे मेल पेशेंट हैं जिनको ये बीमारी है। ठीक है, तो ये हो गया सबसे पहले। दूसरा आता है आपकी उम्र, वैसे तो अगेन ये बीमारी कोई भी उम्र पे हो सकती है, लेकिन मिडिल एज 30 से लेकर 50 वर्ष की उम्र में ये बीमारी सबसे ज़्यादा होती है। जब हम महिलाओं की बात करते हैं तो जब उनके शरीर में हार्मोन के मेजर चेंजेस आते हैं उस वक्त पे ये बीमारी आ सकती है या तो फिर ट्रिगर भी हो सकती है। जैसे कि सबसे पहले शुरुआती के आने वाले मासिक धर्म जिसको मेनार्की कहते हैं, ओके। दूसरा आ जाता है प्रेगनेंसी, गर्भावस्था। तीसरा आता है गर्भावस्था के बाद में जब बच्चा डिलीवरी हो गया है तो पोस्ट प्रेगनेंसी, पोस्ट पार्टम का पीरियड। और चौथा होता है मेनोपोज यानी रज्जोनिवृत्ति। ये चारों पड़ाव जब महिलाओं के शरीर में हार्मोन के मेजर पड़ाव होते हैं उसके बाद में हाशिमोटोज़ का पाया जाना काफ़ी ज़्यादा कॉमन पाया गया है। ठीक है, उसके साथ साथ अगर आप ने कोई भी प्रकार का रेडिएशन का एक्सपोजर हुआ है, चाहे आपने दांत के लिए एक्सरे निकलवाए हो या तो फिर गले के लिए एक्सरे या तो फिर लंग्स के एक्सरे निकाले हैं, और उस वक्त पे अगर आपने आपकी थायराइड ग्रंथि की सही देखभाल नहीं की तो हो सकता है आपको पोस्ट रेडिएशन एक्सपोजर ये बीमारी लग सके। साथ ही साथ अगर आपको और कोई प्रकार की ऑटो इम्यून की बीमारी है तो भी आपको हाशिमोटोज़ डिजीज़ ज़्यादा आ सकता है। देखिए हाशिमोटो खुद ही अपने आप में एक ऑटो इम्यून बीमारी है, और ये ऑटो इम्यून हर बीमारी की कहीं ना कहीं जड़ सेम है, और इसीलिए अगर आपको एक ऑटो इम्यून बीमारी है तो दूसरी आने के रिस्क काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाते हैं। हो सकता है वो बीमारी आपको आज ना हो, कुछ सालों बाद लगे, लेकिन रिस्क आपके ज़्यादा हो जाते हैं। उसमें आ जाती है सबसे पहले वो है सीलियाक डिजीज़। ये एक प्रकार की पेट की आथर्डी की यानी इंटेस्टाइन की बीमारी है, जहाँ पे मरीजों को अक्सर ग्लूटेन वाला प्रोटीन हजम नहीं होता। दूसरा होता है पर्निशियस अनीमिया, ये एक खास प्रकार की खून की बीमारी है जहाँ पे आपकी खून की कमी होती है और वो एक टाइप का एनीमिया प्रॉब्लम होता है। तीसरा है अगर आपको टाइप 1 डायबिटीज़ है। जी हाँ, टाइप 1 डायबिटीज़
टाइप 2 डायबिटीज़ की मैं बात नहीं कर रही हूँ। जो टाइप 1 वाला डायबिटीज़ होता है, यहाँ पे अक्सर एंटीबॉडीज़ पैनक्रिया के बीटा सेल के ऊपर अटैक करके उसको नष्ट नाबूद करती है, और जिसके वजह से अक्सर इन लोगों को ज़िंदगी भर इंसुलिन लेना अनिवार्य बन जाता है। तो अगर आपको टाइप 1 डायबिटीज़ है तो भी आपको हाशिमोटोज़ आने के रिस्क बढ़ सकते हैं। उसी प्रकार और एक बीमारी है जिसको हम कहते हैं सोरियासिस। अगेन ये बॉडी में और खास करके चमड़ी में आने वाली एक बीमारी है। उसी प्रकार ल्यूपस की एक बीमारी होती है, अगेन शरीर में कहीं पे भी आ सकती है। रूमेटॉइड आर्थराइटिस जो खास करके जोड़ों की जॉइंट्स की बीमारी है, और एक बीमारी जिसको हम जोग्रेन्स डिजीज़ कहते हैं, अक्सर मरीजों के मुँह में आँखों में बहुत ज़्यादा ड्राइनेस आती है। तो ये सब अगर ऑटोइम्यून की बीमारी है तो आपको हाशिमोटोज़ डिजीज़ आने के रिस्क कई ज़्यादा बढ़ जाते हैं। फिर आ जाता है वो है आपका जेनेटिक्स, यानी कि आपकी परिवार की फैमिली हिस्ट्री। जी हाँ, अगर आपके परिवार में किसी भी सदस्य को ऑटो इम्यून या तो हाशिमोटोज़ डिजीज़ रहा है तो हो सकता है आपको भी ये डिजीज़ आने के रिस्क बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। अब ज़रूरी नहीं है कि हर बार माँ बाप को पहले हो फिर ही बच्चों को आए। आजकल के दौर में हम देखते हैं बच्चों को पहले थायरॉयड प्रॉब्लम होता है और कुछ सालों के बाद में परिवार के माता पिता को ये प्रॉब्लम बाद में आता है। यानी अगर फैमिली हिस्ट्री पॉजिटिव है तो भी आपको ये समस्या आ सकती है। उसी प्रकार अगर आप बहुत ज़्यादा मात्रा में आयोडीन का इस्तेमाल कर रहे हैं तो भी आपको हाशिमोटोज़ डिजीज़ के रिस्क बढ़ जाते हैं। यानी ये सब कुछ रिस्क फैक्टर्स है जो अगर आपके केस में एप्लीकेबल है तो आपको हाशिमोटोज़ डिजीज़ आ सकता है। ठीक है, अब ये देखते हैं कि हाशिमोटोज़ डिजीज़ में क्या लक्षण आते हैं। ठीक है, तो देखिए लक्षण है जो है ना, ये डिपेंड करता है कि आपका हाशिमोटो कौन से स्टेज पे है। जी हाँ, सही सुना आपने, कौन से स्टेज पे है। हाशिमोटोज़ की जो बीमारी होती है ये कुछ स्टेजेस में डिवाइड की गई है। तकरीबन 5 से 6 स्टेजेस होते हैं ये बीमारी के, और क्या ये स्टेजेस है उसके लिए मैंने खास एक अलग वीडियो बनाया है। आप उस वीडियो को देखिएगा, आपको बहुत ज़्यादा डिटेल में समझ में आएगा हाशिमोटोज़ की बीमारी के बारे में। और अगर आप इस स्टेजेस को अच्छे से समझ पाएंगे तो कहीं ना कहीं आप ये बीमारी को रिवर्स करने में काफ़ी सक्सेसफुल भी हो पाएंगे। वो वीडियो का लिंक जो है ऊपर आई बटन पर और नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मौजूद है। तो ये जो हाशिमोटोज़ की जो बीमारी के जो लक्षण होते हैं वो डिपेंड करते हैं कि आपके कौन से स्टेज पे हैं और कितना एक्सटेंट आपकी थायराइड की ग्रंथि का डैमेज हुआ है। शुरुआत के स्टेज में अक्सर लोगों को इतने ज़्यादा लक्षण नहीं होते, और अगर लक्षण आते भी हैं तो थोड़े बहुत वेग से होते हैं। लक्षण तब ज़्यादा आते हैं जब थायराइड की ग्रंथि में डैमेज बहुत ज़्यादा हो चुका है, थायराइड बहुत ही ज़रूरत से ज़्यादा कम कार्य कर रही है। तो वैसे केसेस में क्योंकि आपके खून में T3 और T4 हार्मोन की मात्रा कम हो जाती है तो ये लक्षण आ जाते हैं। और ज़्यादा करके ये लक्षण जो है ये हाइपोथायरॉयडिज्म के लक्षण सेम ही होते हैं। तो क्या होते हैं लक्षण, जो मोटे मोटे तौर पे जो मेजर लक्षण है मैं आपको बता रही हूँ। हर एक छोटे छोटे लक्षण वो शायद से बोलना है ये वीडियो में पॉसिबल नहीं होगा क्योंकि वीडियो और भी बहुत लंबा बन जाएगा। वैसे भी बहुत लोग मुझे बोलते रहते हैं मैम आप क्यों इतने लंबे वीडियो बनाते हैं। देखिए क्योंकि कंटेंट ही इतना है, नॉलेज ही इतना मुझे आपको देना है कि मैं जब ये शूट करती हूँ मेरे दिमाग में ही नहीं होता कि कितना लंबा वीडियो बन रहा है। ठीक है, तो मोटे मोटे तौर पर लक्षण है क्या क्या है। आपके सिर के बाल गिर सकते हैं, हेयर फॉल हो सकता है, आपको भूलने की बीमारी आ सकती है, आपकी मेमोरी ख़राब हो रही है, आपको बहुत ज़्यादा नींद आ रही है, डिप्रेशन मायूसी जैसा लगता है, आईब्रोज जो होती है बाहरी खास करके 1/3 ऑफ दी आईब्रो आपकी कम हो सकती है, जो चेहरा जो है वो आपको पफी फेस लग सकता है, मून फेस जिसको हम कहते हैं वैसा हो सकता है, आपकी जो ज़बान जो है वो थोड़ी मोटी सी हो सकती है, हियरिंग प्रॉब्लम भी आ सकता है, गले में आपको गोइटर हो सकता है जहाँ पे आपकी थायराइड की ग्रंथि ज़रूरत से ज़्यादा बड़ी हो जाती है। अक्सर लोग आपको देख के पहचान लेंगे कि आपके गले में कुछ तो प्रॉब्लम है, तो ये जो सूजा जो गला होता है जिसको हम गोइटर कहते हैं। दूसरा प्रॉब्लम आता है मरीजों की खुद की दिल की जो धड़कन है वो काफ़ी कम हो जाती है जिसको हम ब्रैडीकार्डिया कहते हैं। साथ ही साथ बहुत ज़्यादा फटीग होता है, थकावट लगती है, ठंडी महसूस बहुत ज़्यादा होती है, बार बार ठंडा लगते रह रहा है, पंखा भी चला दो तो फिर भी ठंडी लग रही है, बार लगता है कि कंबल ही ओढ़ के बैठे रहे पूरा टाइम, तो ऐसा कोल्ड इंटॉलरेंस भी हो सकता है।
मसल्स में आपके दर्द हो सकता है, बॉडी में थकावट फटीग बहुत ज़्यादा कॉमन हो जाता है। अगर आप महिला है तो आपके मासिक धर्म में गड़बड़ी आ सकती है। अगर आप शादीशुदा है तो हो सकता है कि आपको बच्चा आसानी से नहीं ठहरा, और अगर बच्चा ठहर भी जा रहा है तो आपको मिसकैरेज होने के रिस्क थोड़े बढ़ जाते हैं। इनफर्टिलिटी और मिसकैरेज काफ़ी कॉमन सा हो जाता है। पैरों में आपको हो सकता है आपके पैरों में सूजन आए। तो ये सब जो लक्षण हैं, ये कुछ ऐसे मेजर लक्षण होते हैं हाइपोथायरॉयडिज्म अगर आपको होता है तो, और ये लगभग आगे के एडवांस स्टेज ऑफ हाशिमोटोस डिजीज में पाया जाता है। ठीक है, अब कैसे डॉक्टर को पता चलेगा कि आपको हाशिमोटो की बीमारी है या नहीं? तो बहुत आसान है, इसके लिए कोई बड़ा रॉकेट साइंस नहीं है। सबसे पहले आप आपके डॉक्टर के पास जाएंगे तो सबसे पहले आपको आपकी पूरी फैमिली हिस्ट्री पूछेंगे, आपके शरीर के लक्षण पूछेंगे, उसके बेसिस पे ही कहीं ना कहीं अनुमान लगा लेते हैं। फिर आपके गले की थायराइड की ग्रंथि की एग्जामिनेशन करते हैं। जी हाँ, और बहुत सी बार ये एग्जामिनेशन डॉक्टर से के चेंबर में जब बैठे हैं आपको पता भी नहीं था, डॉक्टर आपके गले के एरिया में देख के आपकी थायराइड की एनालिसिस लगाते भी हैं। जी हाँ, फिर आपके गले की थायराइड की नेक एग्जामिनेशन हो जाती है। फिर आ जाते हैं खून की जांचें। खून की जांचें बहुत इंपॉर्टेंट है जब हम हाशिमोटोस की बात करते हैं। तो ये इस केसेस में हम मेनली और टेस्ट देखते हैं कि क्या आपकी थायराइड की ग्रंथि तो बराबर से काम कर रही है। उसके लिए आपको थायराइड फंक्शन टेस्ट की रिक्वायरमेंट होती है, जिसमें हम TSH है, टोटल T3, फ्री T3, टोटल T4 और फ्री T4 की टेस्ट की एडजस्टमेंट टेस्ट की रिक्वेस्ट करते हैं। क्योंकि डॉक्टर को लग रहा है आपको हाशिमोटोस है, तो वैसे केसेस में जो एंटीबॉडीज होती है उसकी जांचें कराते हैं। इसमें दो मेन एंटीबॉडीज़ की जांच होती है। सबसे पहली होती है एंटी थायरॉयड पेरोक्सीडेज एंटीबॉडी और दूसरी है एंटी थायरोग्लोबुलिन। ये दोनों एंटीबॉडीज़ अगर पॉजिटिव पाई जाती है तो उसका मतलब ही हमें पता चल जाता है कि आपको हाशिमोटोस डिजीज़ है। अब ये एंटीबॉडीज़ अगर बढ़ी हुई आती है तो ही हाशिमोटोस डिजीज़ है। क्या ये एंटीबॉडीज़ वापस करानी है या इसको कराना चाहिए नहीं चाहिए, उसके लिए मैंने एक अलग वीडियो बनाया है, क्योंकि ये एंटीबॉडी की कॉस्ट भी ज़्यादा होती है। बाय द वे, कॉस्ट कितनी होती है उसके लिए भी एक अलग वीडियो बनाया। जी, आप समझ ही रहे कि हर एक टॉपिक पे अलग अलग वीडियो ऑलरेडी बन चुके हैं, यानी हमारी ये चैनल थायराइड के कंटेंट में कितनी आगे है, कितने ज़्यादा हमने वीडियोस बनाए हैं। तो थायराइड की जांच कितनी महंगी होती है उसके लिए भी अलग वीडियो बनाया। एंटीबॉडीज़ अगर बढ़ी हुई आई है तो उसको कम कैसे करें ताकि आपका हाशिमोटोस रिवर्सल में जाए, उसके लिए भी मैंने अलग वीडियो बनाया। वो सभी वीडियोज़ के लिंक आपको मिल जाएंगे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और ये चैनल पे। आप देखेगा उस वीडियो को, हाशिमोटोस के बारे में आपको बहुत ज़्यादा जानकारी मिल जाएगी। तो ये सभी खून की जांचें कराई जा सकती हैं। अगर आपको गॉइटर है, थायराइड की ग्रंथि बड़ी है, तो वैसे केसेस में डॉक्टर आपको आपके गले की ग्रंथि क्या एक अल्ट्रासाउंड स्कैन जो होता है उसका भी एडवाइस कर सकते हैं। स्कैन में बेसिकली हम देखते हैं कि आपकी थायराइड की ग्रंथि की कंडीशन कैसी है। तो ये हो गई उसकी जांच पड़ताल। फिर आ जाते हैं हम इसके ट्रीटमेंट पे। तो ट्रीटमेंट इसका कैसे होता है, देखिए हाशिमोटो डिजीज़ जो है, अब ये पॉइंट आपको बहुत अच्छे से समझ में आना चाहिए, हाशिमोटो डिजीज़ जो है ना, ये एक ऑटो इम्यून बीमारी है। ऑटो इम्यून बीमारी ही उसकी जड़ है। क्यों आपकी थायराइड की ग्रंथि के ऊपर आपकी इम्यून सिस्टम अटैक कर रही है, यही ये हाशिमोटो डिजीज़ का सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा है। अगर आपको ये पता चल गया कि क्या प्रॉब्लम से आपकी ग्रंथि के ऊपर अटैक हो रहा है, और वो प्रॉब्लम को अगर आप अटकाएंगे तो आपका हाशिमोटोस डिजीज़ हमेशा के लिए चला जाएगा। इसका रूट आपको पकड़ में आना चाहिए। अक्सर लोगों को रूट ही पकड़ में नहीं आता, और रूट अगर पकड़ में नहीं आ रहा है तो बीमारी बढ़ती ही जाएगी, आपकी थायराइड की ग्रंथि कम काम करने कंटिन्यू होती जाएगी, और धीरे धीरे करके आपका थायराइड की जो दवा है उसका पावर भी बढ़ते जाएगा। बाय द वे, इसको ठीक करने के लिए जो हाइपोथायरॉयडिज्म जो होता है उसको ठीक करने के लिए कुछ दवाई दी जाती है, जिसमें लीवोथायरॉक्सिन सोडियम, जिसको सादी भाषा में T4 या तो थायरॉक्सिन कहते हैं, वो बहुत ज़्यादा कॉमनली प्रिस्क्राइब की जाती है। कुछ मरीजों के लिए T3 दवा का भी इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन ये खास करके एंडोक्राइनोलॉजिस्ट डॉक्टर्स ही इसको रेकमेंड करते हैं। तो ये दवा को ये टेम्पररी मैनेजमेंट किया जाता है।
लेकिन हाशिमोटोज का ट्रीटमेंट ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ लिवोथायरॉक्सिन हो, उसके लिए आपको इसकी जड़ पकड़ना ज़रूरी है। तो ये हो गया ट्रीटमेंट। अब बढ़ते हैं कॉम्प्लिकेशन। अब ऑफकोर्स ये बीमारी है, आप उसको ठीक नहीं करेंगे, बढ़ती ही जाएगी, कॉम्प्लिकेशन लेके आएगी। तो कॉम्प्लिकेशंस क्या आ सकते हैं? कॉम्प्लिकेशंस तभी ही आएंगे अगर आपने इसको ठीक नहीं किया है तो, या तो फिर अगर ये डिजीज़ प्रोग्रेसिव है तो। अगर आपने दवा ली ही नहीं है जो हाइपोथायरॉयडिज्म को ठीक करती है, तो वैसे केसेस में ये हाइपोथायरॉयडिज्म के वजह से आपको कॉम्प्लिकेशंस आ सकते हैं। सबसे पहला कॉम्प्लिकेशन आ सकता है कि वो है आपका ब्लड प्रेशर बढ़ सकता है। आपके थायराइड के ऊपर इसकी विपरीत असर आ सकती है। जी हाँ, थायराइड का फंक्शन कम कार्य कर सकता है, आपके कोलेस्ट्रॉल लेवल की मात्रा बढ़ सकती है, आपको ब्रेडिकार्डिया जैसी प्रॉब्लम्स भी आ सकती हैं। थायराइड का अगर प्रॉब्लम ठीक नहीं हुआ तो हार्ट फंक्शनिंग पुअर रहेगा, तो आपको सांस फूलती रहेगी, आपको थकावट भी लगता रहेगा, तो हार्ट प्रॉब्लम्स आ सकते हैं। दूसरा प्रॉब्लम आ सकता है वो है आपको मानसिक, यानी कि आपको डिप्रेशन जैसा हो सकता है, आपको कुछ चीज़ें अच्छी नहीं लग रही है, भूल जा रहे, ये सब उसके भी कॉम्प्लिकेशन, कॉग्निटिव इम्पेयरमेंट भी आपको हो सकता है। दूसरा आता है वो है रिप्रोडक्टिव कॉम्प्लिकेशन। अगर आपने थायराइड को ठीक नहीं किया तो आपके मासिक धर्म में गड़बड़ी रहेगी, और अगर वैसा है और अगर आप शादीशुदा है, आप बच्चे की कोशिश कर रहे हैं, तो हो सकता है आपका गर्भ ठहर नहीं रहा, आपको इनफर्टिलिटी हो रही है। फिर हो सकता है अगर गर्भ ठहर गया है तो मिसकैरेज, गर्भपात भी हो सकता है, आने वाले बच्चे के कॉम्प्लिकेशन आ सकते हैं अगर आपका थायराइड ठीक नहीं है तो। अगर आप पुरुष हैं तो वैसे केसेस में आपके स्पर्म काउंट पे भी इसकी असर आ सकती है, आपके लिबिडो पे भी उसकी असर आ सकती है। तो ये सभी असर भी आ सकती हैं अगर आपने हाइपोथायराइड को ठीक नहीं किया तो। ये मेन कॉम्प्लिकेशंस हैं। कुछ एक आधा ऐसा रेयर सा कॉम्प्लिकेशन है जो बहुत ही कम पाया जाता है, वो है मिक्सीडीमा। जी हाँ, जहाँ पे अगर हाइपोथायराइड बहुत लंबे वक्त से अगर अनकंट्रोल स्टेट में है, तो अगर वैसे केसेस में अगर कोई एक्यूट ट्रॉमा आ जाता है बाहरी ओर से, या तो इंटरनली, या तो कोई बुखार भी हो, तो वैसे केसेस में मिक्सीडीमा जैसा कॉम्प्लिकेशन ट्रिगर हो सकता है, और बहुत सी बार ये जानलेवा भी हो सकता है। तो ये आ सकते हैं हाशिमोटोज के कॉम्प्लिकेशन, यानी ये होता है हाशिमोटो की बीमारी। आई होप कि आपने जो सवाल पूछा हाशिमोटो की बीमारी क्या है, उसको जस्टिफाई और क्लैरिफाई करने में मैं थोड़ी सक्सेसफुल रही। मैं आशा करती हूँ आपके इस आज के इस वीडियो में आपको कुछ नई और सही जानकारी हासिल हुई। अगर आपके कोई भी निजी पर्सनल सवाल है थायराइड के रिलेटेड, तो कहीं मत जाइए, यहाँ पे नीचे कमेंट बॉक्स में लिखिए। मैं हर एक कमेंट को पढ़ती हूँ, जल्द से जल्द जवाब देने की कोशिश भी करती हूँ। प्लीज़ आपका कमेंट ऐसे लिखिए कि मैं उसको शॉर्ट में आंसर दे पाऊँ। लंबा चौड़ा अगर आप कमेंट इतना बड़ा लिखेंगे, पूरा का पूरा ऐसे जितना, तो मैं शायद से उतना बड़ा आपका कमेंट पढ़ने के टाइम पे, मेरे पास एक अकेले आप ही का कमेंट नहीं आता, बहुत लोगों के दिन में तकरीबन 500 से 1000 कमेंट्स आते हैं। तो आप अनुमान लगाएं कि इतना लंबा लंबा अगर मैं आपका ही कमेंट पढ़ूंगी तो शायद से नहीं कर पाऊँ। आपका सवाल जो लिखे इतने शॉर्ट में लिखे ताकि मैं आपको उसका राइट आंसर दे पाऊँ। जी हाँ, मैं ये प्लेटफॉर्म के माध्यम के द्वारा मैं आपको प्रिस्क्रिप्शन नहीं दे सकती। आप ये मत पूछो कि मैं कितने डोज की दवा ले लूँ अभी, वो ये प्लेटफॉर्म का मुद्दा नहीं है, और ये इसका रीज़न भी नहीं है ये प्लेटफॉर्म का। उसके लिए आप आपके नज़दीकी थायराइड डॉक्टर के पास जा सकते हैं। जहाँ पे आप अटक गए हैं, समझ में नहीं आ रहा, आजू बाजू में कोई थायराइड विशेषज्ञ डॉक्टर नहीं है, तो वैसे केसेस में आप आपके सवाल लिखिए, मैं कोशिश ही करती हूँ आपको जवाब देने की, और मैं देती भी हूँ, ठीक है। तो आपके कमेंट्स लिखिए। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो इसको लाइक कीजिए। अगर आप मेरे इस चैनल पर नए हैं, पहली बार आए, तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा थायराइड रिलेटेड जानकारी मिलती रहे। अगली बार हम वापस मिलेंगे कोई एक नए इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक आपकी सेहत का ख्याल रखिए। नमस्ते।